श्रीनाथ मॉल में व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती को लेकर रविवार शाम व्यापारियों ने एकजुटता का परिचय देकर अपनी अपनी दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी। दुकानदारों ने बताया कि मॉल प्रबंधन के प्रतिनिधि चंद्रगुप्त को समस्या समाधान का ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और व्यापारियों को भला बुरा कहकर रवाना कर दिया। इससे खफा दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों के शटर गिरा दिया और सिनेमा हॉल में चल रही फिल्म को बंद कराकर दर्शकों को बाहर निकाल दिया। श्रीनाथ मॉल व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मयंक टंडल ने बताया कि पिछले कुछ समय से मॉल प्रबंधन दुकानदारों और ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती कर रहा है। लिफ्ट, एसी और एस्केलेटर बंद कर दिए हैं। पूरे मॉल में जगह जगह गंदगी है, सफाई होती नहीं, कुल मिलाकर व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। सब लिफ्टें बंद पड़ी हुई है, एक्सीलेटर बंद पड़े हुए हैं और लाइटें तक उन्होंने चिंदी चोरियां करने के लिए एक एक बल्ब तक निकाल रखे हैं, जो मतलब ये चिंदी चोरी जिसे कहते हैं बनियों की। जब तक अगर वो मॉल मैनेजमेंट वाले आके अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे पहले, और अगर मॉल मैनेजमेंट वाले अगर बात नहीं करते हैं तो अनिश्चितकालीन बंद। वही सोमवार को श्रीनाथ मॉल में पहुंचे कुछ गुंडा तत्वों ने व्यापारियों से मारपीट की। मयंक ने बताया कि जब सभी दुकानदार बाहर बैठकर धरना दे रहे थे तभी 15-20 लोग आए और गाली गलौज करते हुए डंडे बरसाना शुरू कर दिया। इस वाकया की सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग भी है। सभी व्यापारियों ने इस घटना की रिपोर्ट किशनगंज थाने को दी है। हम मिराज मॉल के सारे व्यापारियों ने कल से मॉल की हड़ताल कर रखी है, कारण कि मॉल के जितने भी प्रबंधक हैं उन्होंने अपने दमनात्मक रवैये से हमारे मॉल की सारी सुविधाएं बंद कर रखी, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जैसे वॉशरूम्स की, पानी की, एक्सीलेटर, लिफ्टों की, जिसकी वजह से समस्त दुकानदारों को एवं यहाँ आने वाले ग्राहकों को रोज तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पीने के लिए हमारे शुद्ध पानी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे को जितनी परेशानी हो रही है शायद ही किसी को हो रही हो। आज दिन में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे मारपीट की गई। आज यहाँ पर कल जैसे कि यहाँ पर हमने मॉल बंद कराया था, हड़ताल पे बैठे थे, आज यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने आकर के 15-20 जने आकर के हमारे पे लट बरसाया। यहाँ पर दुकानदार हड़ताल करके बैठे थे, हमारे को धमकाया गया, पहले आके गाली की गलौज करी गई हमारे साथ, कि हमने पुलिस अधिकारी को जाकर के, सीआई साहब को जाकर के हमने FIR दर्ज कराई है, उनके नाम रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब इस पे हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई करे, और हमको जहाँ तक हमको लगता है कि इसमें मॉल वालों ने हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए और हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए ये सब किया है।